नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए और नए वीडियो के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि इनवॉइस कैसे तैयार करते हैं, मतलब सेल, ये जो सेल ऑप्शन है, ये सेल ऑप्शन हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, हमें कोई भी हमारा जो आइटम है वो कैसे सेल करना है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेल पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये जो डेट है, यहाँ पे 18/8/2018। ठीक है, तो जैसे ही ये विंडो ओपन होती है और अगर आप यहाँ पे ओके करते हो तो जो आज की डेट है, यहाँ पे फ्रॉम डेट लिखा हुआ है और यहाँ पे टू डेट लिखा हुआ है। ठीक है, फ्रॉम यानी इस डेट से लेकर इस डेट तक। ठीक है, तो देखिए अगर आप ओके करते हो तो यहाँ पे नीचे जो आज की डेट में, आज के दिन में जितने भी हमने बिल बनाकर लोगों को दिया है, जितने भी हमने सेल किया है, उन सब के बिल्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए अभी मेरा ये आज सुबह का पहला बिल है, तो अभी मैं मतलब अभी तक एक भी बिल, आज के दिन में अभी तक एक भी बिल नहीं हुआ है, तो मुझे क्या करना है, अभी नया बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू पर क्लिक कर देता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आज की डेट है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको आगे है टर्म्स, टर्म्स में क्या है, कैश और क्रेडिट, यानी आप कैश में मतलब पैसे, कैश पैसे लेकर आप उनको मटेरियल दे रहे हो या फिर उधार दे रहे हो। अगर कैश में दे रहे हो तो कैश में कीजिए, अगर क्रेडिट पे दे रहे हो तो मतलब उधार दे रहे हो तो आपको क्रेडिट पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैश पे कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब पार्टी का नाम है, मतलब जो भी आपका कस्टमर है उसके नाम यहाँ पे है, ये अकाउंट से आपके। ठीक है, ये क्या है, सारे आपके अकाउंट से। ठीक है, तो जो भी नया कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आपको यहाँ पे नया क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो ये जो प्लस आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे ये नया क्रिएट करने के लिए है, और यहाँ पे जो आप ये पेंसिल का देख रहे हो आप, यहाँ पे जैसे अभी ये आदित्य जैन करके है, तो अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे जाकर आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, एक नया कस्टमर को यहाँ पे खोल देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर अकाउंट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नेम आपको वहां पे लिखना है। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख दिया। उसके बाद वापस से एंटर कर देते हैं। प्रिंट नेम याने प्रिंटर पे आपका मतलब प्रिंट पे जो बिल आएगा, बिल पर आपका क्या नाम होगा, उस नाम, वो नाम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कस्टमर, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, मतलब उसके पास उसको देने हैं हमें या उससे लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डीआर और सीआर। डीआर का मतलब होता है रिसीवेबल और सीआर का मतलब पेबल। ठीक है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, नया कस्टमर है, तो एंटर कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे पिन कोड में आपको आपका पोस्ट कोड जो है वो डाल देना है। यहाँ पे आपको जो स्टेट है आपका, वो स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है।
यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। ठीक है, बस इतना करने के बाद और आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे आपका कस्टमर का नाम यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लोकल रिटेल सेल्स, क्योंकि ये एंड एंड इज योर कस्टमर है। ठीक है, अगर आपका कोई सब डीलर है तो आप सब डीलर को भी ये दे सकते हो। तो मतलब उसका भी, उसके पास भी जीएसटी नंबर होना चाहिए, तभी आप लोकल B2B सेल्स पर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट रियल रिटेल सेल्स है, मतलब जैसे महाराष्ट्र के बाहर आप, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो महाराष्ट्र के बाहर आप जो भी आपका रिटेल सेल करना है, तो ये इंटरेस्ट रेट रिटेल सेल्स में आप जाओगे। और इंटरेस्ट रेट B2B सेल्स मतलब इंडिया में आप कहीं भी किसी को भी सेल करना है, मतलब महाराष्ट्र के बाहर अगर दूसरा कोई डीलर है जिसके पास जीएसटी नंबर है, तो उसको आप कोई आइटम बेच रहे हो, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं अभी जो मेरा महाराष्ट्र का जो लोकल रिटेल है, तो मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये बिल नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको ड्यू डेट यानी उस जिसको आपको देना है, अगर वो क्रेडिट पे, तो यहाँ पे वो कब देने वाला है, ये अगर आप डेट यहाँ पे डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अगर यहाँ पे आपने डेट डाल दिया तो आपको वो शो करेगा कि आज आज इनसे आपको इतना पैसा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी हम आइटम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी भाई ओके, तो मैंने आइटम सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको देख रहा है क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, तो मैं एक नंबर क्वांटिटी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद इसका प्राइस डाल दिया मैंने। उसके बाद ये बेसिक अमाउंट है, अगर आपको ये का मतलब यहाँ पे डिस्काउंट है, तो आप 1%, 2%, 5%, 10%, जो भी डिस्काउंट देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हो। और डिस्काउंट में अगर मैन्युअली आप जैसे 10 रुपये, जैसे अभी 700 रुपये का आइटम है, अगर इसमें मैं 50 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो 50 रुपये डायरेक्टली डाल सकता हूँ। मतलब आप एक तो परसेंटेज में भी डाल सकते हो, या फिर डायरेक्टली रुपीज़ में भी डिस्काउंट डाल सकते हो। ठीक है, ओके, इस तरह से हमारा ये आइटम इसमें ऐड हो गया है। और अभी मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखो ये सेल एंट्री सेव हो गया है, इसको मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे डू यू वॉन्ट टू प्रिंट अ बिल, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे मुझे ये पूछेगा, चलो हम यहाँ पे प्रीव्यू कर देते हैं, देखते हैं। अभी हम यहाँ पे देखिए, अब ये जो बिल है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा मैं प्रिंट भी दे सकता हूँ, प्रिंट भी दे सकता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे लगा कि ये फॉर्मेट मुझे अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो आप एक एक चेक करके देख सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे मैं जीएसटी बिल देखता हूँ, यहाँ पे प्रयोग कर देता हूँ एक बार। देखिए ये थोड़ा एक अलग टाइप का बिल आ गया, और देखता हूँ मैं, एक दो बिल हम देखेंगे अलग अलग। ओके, देखिए अभी ये ब्लैंक फॉर्मेट है, हमें इसमें एडिट करना होगा, तभी इसमें सब डेटा आएगा। देखिए इस टाइप का ये एक बिल है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, और यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये आइटम नेम है, उसके बाद ये HSN कोड है, क्वांटिटी है, उसके बाद पीसेस है, रेट है, उसके बाद ये SGST है, CGST है, और टोटल ये बिल है, सब कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बिल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कस्टमर का नेम वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और देखते रहिए हिट शॉर्ट फिल्म्स। थैंक यू।